हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो हब BSD में। दोस्तों आज मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूँ वो हर माँ बाप के जीवन में आती हैं, और जब उनका बच्चा 10+2 करता है तो वो एक ऐसे दोराहे पर खड़े हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आ पाता कि अपने बच्चे को क्या करवाएं और क्या नहीं करवाएं। देखिए मेन होता है कि तीन टाइप के परिवार होते हैं, अमीर, गरीब और तीसरा है मिडिल क्लास। ये वीडियो खासकर गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए है, क्योंकि अमीर जो परिवार हैं वो तो अपने बच्चे को बड़े बड़े कोर्स कराते हैं, जिनकी करोड़ों रुपए फीस है वो भी करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं, उनके ऑप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। एक गरीब फैमिली क्या होती है, उन वो चाहते हैं कि हमारा बेटा जल्दी से पढ़ लिख के नौकरी लग जाए ताकि हमारा कुछ आर्थिक सहयोग हो। हर माँ बाप का यही सपना होता है, इसलिए वो अपने बच्चे को चाहते हैं जल्दी से जल्दी 2+2 करके फिर एक ऐसे कोर्स को ज्वाइन करवा देते हैं ताकि वो नौकरी लग जाए और फाइनेंशियल असिस्टेंट उनको मिले, आर्थिक सहायता उनको मिले। लेकिन 2+2 के बाद माँ बाप के मन में एक ख्याल आता है कि बच्चे को कराए तो कराए क्या, फिर उनके दिमाग में आती है कि ITI करवा देते हैं, पॉलिटेक्निक करवा देते हैं, ताकि बच्चा किसी कंपनी में 7-8 हज़ार की नौकरी लग जाएगी और फिर कमाने लग जाएगा और हमें सहारा मिल जाएगा। अब पॉलिटेक्निक का तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ट्रेंड नहीं है, पहले क्रेज था पॉलिटेक्निक का, एक टाइम समय था जब बहुत ज़्यादा क्रेज था। अब जो कंपनियों में जो डिमांड है वो ITI वालों की ज़्यादा है, पॉलिटेक्निक वालों की नहीं है, क्योंकि ITI वाला 7, 8, 10, 12, 15 से लेकर 8 की रेंज में, 8 से 15 की रेंज में मिल जाता है ITI वाला बंदा कंपनी वाले को, और पॉलिटेक्निक वाले बंदे 8 से 10 की रेंज में या 15 की रेंज में नहीं काम करते, इसलिए वो ITI को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए उसके बाद जो है माँ बाप के या बच्चों के दिमाग में आता है कि किस ट्रेड से ITI करें। देखो आप किसी भी ट्रेड में ITI करो, एक चीज़ उसमें परफेक्शन ज़रूरी है, कंप्यूटर से करो, इलेक्ट्रिकल से करो, मैकेनिक से करो, डीजल मैकेनिक से करो, किसी भी ट्रेड से करो। दूसरी बात, आपको 2+2 करते ही अपना एम निर्धारित करना होता है कि हम किस फील्ड में जाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ITI करनी है, जैसे लाइनमैन हो गए, किसी शिफ्ट अटेंडेंट हो गए, या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई काम है उसमें आप जाओगे, तो दूसरी बात ये होती है कि कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनमें गवर्नमेंट जॉब निकलने के चांस ज़्यादा हैं और कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनमें गवर्नमेंट जॉब निकलने के चांस ना के बराबर हैं। जैसे आप कंप्यूटर से संबंधित कोई ट्रेड करोगे तो उसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती, डीजल मैकेनिक करोगे तो उसमें बहुत ही कम गवर्नमेंट जॉब निकलती है, AC रिपेयरिंग में गवर्नमेंट जॉब कम निकलती है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इनमें गवर्नमेंट जॉब निकल सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलती है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, वायरमैन, इलेक्ट्रिकल, जो लाइट बिजली से संबंधित जो ट्रेड हैं उनमें सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब भी निकलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे रेलवे है उसमें मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है उससे संबंधित जॉब भी काफ़ी सारी निकलती हैं। अब माँ बाप के मन में एक ख्याल आता है कि बच्चे को किस फील्ड में डालें। देखो बच्चे को किसी ट्रेड में डालो, आप सबसे पहले ये देखना है आपने कंपनी में भेजना है या कंपनी में नौकरी करते करते बच्चा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, इस ट्रेड में भेजना है। क्योंकि तो जैसे कंप्यूटर की साइड में, कंप्यूटर वाले फील्ड में आप डालोगे तो वो सिर्फ कंपनी में ही रहेगा पूरी उम्र, गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं आ सकता। और या इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिक जो ट्रेड हैं ये ऐसी ट्रेड हैं जो प्राइवेट नौकरी करते करते बच्चा गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भी भर सकता है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप अपने बच्चे को ऐसी ट्रेड में डालें जिससे वो
प्राइवेट नौकरी करते करते गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर पाए। माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चों को, यही चीज होती है जो ग्रामीण परिवेश में माँ बाप को नॉलेज नहीं होती जिसकी, और वो फिर एक दूसरे से पूछते रहते हैं बच्चे को किस ट्रेड में डालें किस में नहीं डालें, और उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक है, वायरमैन है, जो बिजली से संबंधित और मैकेनिक से संबंधित जो भी ट्रेड है, वो ट्रेड बच्चा जिसमें इलेक्ट्रिकल में अगर इंटरेस्ट है या मैकेनिकल में, इन दोनों ट्रेडों में जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वही फील्ड सेलेक्ट करे। बाकी दूसरी जो ट्रेड हैं उनमें गवर्नमेंट जॉब की संभावना ना के बराबर है। तो मैं सभी आईटीआई वाले बंदों से, और जो प्लस टू में है या 10वीं में है और आईटीआई करने के इच्छुक हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा कि ऐसी जॉब सिलेक्ट करें जो आपको प्राइवेट नौकरी के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी मिल सके। मैं आपको इसी बात को बताने के लिए वीडियो बनाया है, आज मैं पहली बार वीडियो बनाया ही है। अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो कमेंट करें, और मैं किस विषय पर दूसरी वीडियो बनाऊं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। खासकर सभी बच्चे जो 10th की है जिन्होंने या प्लस टू की है, वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अभी आईटीआई में या कॉलेज में एडमिशन के टाइम स्टार्ट हो चुका है, और माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को जिस भी फील्ड में डालें पूरी तहकीकात उस चीज़ की नॉलेज लेके, आपको नॉलेज नहीं है तो किसी नॉलेज वाले से पूछ लें फिर बच्चे को उस लाइन में डालें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, और मैं जब भी दूसरी वीडियो लेके आऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और मेरे को कमेंट करके बताएं कि मैं किस फील्ड की वीडियो बनाऊं और किस विषय की वीडियो बनाऊं ताकि आपको उस चीज़ की नॉलेज हो पाए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना टेक्नो हब बाई SD। थैंक यू।